14 अगस्त 2024, स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी मैं हूँ सिसु के अंदर, टाइम हुआ है 2:30, टेम्परेचर है अभी लगभग 22 से 23 डिग्री के आसपास यहाँ पे। तो बहुत सारे टूरिस्ट जानना चाहते हैं सिसु आ सकते हैं कि नहीं, मनाली आ सकते हैं नहीं, कैसा वेदर है, कैसे रोड्स है, तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कम्प्लीट वीडियो देखिए। अभी हम लोग मनाली से चल के आए थे तो रास्ते में ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, मनाली में भी वेदर क्लियर था, सिसु में भी क्लियर है। सुबह आज जितनी भी वोल्वो बसेस चंडीगढ़ दिल्ली से मनाली पे आई है, सारी की सारी जो है टाइम से आई है। थोड़ी बहुत जो दिक्कत आती है वो आती है मंडी और रोड टनल के आसपास, लेकिन अभी वो रोड सही है, 2-3 दिन से कोई बारिश नहीं हुई है। बाकी यहाँ का अभी कैसा क्लाइमेट है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, और यहाँ से अभी मनाली भी हम लोग जाएंगे तो काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कम्प्लीट वीडियो देखिए, बहुत यूजफुल ये वीडियो रहने वाला है। तो ये अभी हम सिसु के अंदर है और ये सामने सिसु वाटरफॉल दिख रहा है। सिसु वाटरफॉल के साथ में ये पार्किंग है, हेलीपैड। तो यहाँ से आप जब राइट साइड में आते हैं तो आप सिसु लेक के पास पहुँच जाते हैं, और ये लेक मनाली से पड़ती है लगभग 40 किलोमीटर दूर। और अभी देख सकते हैं गर्मी काफ़ी है अभी यहाँ पे, और लेक काफ़ी बड़ी है। सिसु के अंदर स्टे के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। ऊपर आप कुछ ग्लैम्पिंग वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारे होटल्स यहाँ पे है, होम स्टेज है, तरह तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे बोटिंग के भी चार्जेज अभी बिल्कुल जेन्युइन है। छोटी बोट का वैसे चार्ज होता है यहाँ पे 300 रुपये, बड़ी बोट का होता है 500 रुपये। तो इस टाइम पे बहुत कम टूरिस्ट है, केवल 2 बोट हम देख रहे हैं यहाँ पे बोटिंग होते हुए। तो यहाँ से अभी चलते हैं हम हेलीपैड की तरफ, वहाँ भी दिखाते हैं आपको कितने टूरिस्ट अभी पहुँचे हैं। तो सिसु लेक का एलिवेशन आप देख सकते हैं, 3012 मीटर की ऊंचाई पे ये लेक है। और यहाँ पे सामने पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क होते हुए देख सकते हैं, सामने वाटरफॉल भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट जो है छाता लेके चले हैं, इतनी तेज़ धूप होती है इस टाइम पे सिसु के अंदर। तो वैसे तो हमारा आज यहाँ पे कैंपिंग का प्लान था, डे कैंपिंग हम लोग करना चाहते थे, बट यहाँ का मौसम देख के, गर्मी देख के मन नहीं हो रहा है यहाँ पे रुकने का। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं हेलीपैड की ओर। तो सिसु के अंदर आप बोटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आप लोग ATV राइड कर सकते हैं, और ATV की यूनियन है यहाँ पे जिससे आप ये चीज़ बुक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, अभी 5-6 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होता इस टाइम पे। और सामने सिसु वाटरफॉल है जिसका अभी पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये वाटरफॉल का ट्रैक आप लोग कर सकते हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये ट्रैक करने के लिए आपको जिप लाइन करके रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, चंद्रा रिवर बहती है यहाँ से। तो जिप लाइन आजकल 300-400 रुपये में बड़े इजीली बुक हो जाती है, और सीज़न में तो 500 रुपये रेट लेते हैं, अभी 300 रुपये में बड़े आराम से मान जाते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ से जिप लाइन करके ये ट्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। बट जब भी आप आते हैं तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हैट वगैरह सनशेड वगैरह अच्छे हों आपके पास, ताकि आपको आके यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो। और अभी यहाँ से जा रहे हैं हम मनाली की ओर। 3:40 और हम लोग सिसु से कर रहे अभी रिटर्न मनाली के लिए। तो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है इन पेड़ों के पास, लेकिन इनकी ग्रीनरी देख के आप लोग जो है धोखा खा सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी डे टाइम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। बाकी यहाँ से हम चलते हैं मनाली की ओर, वहीं पे जाके सुकून की सांस मिलेगी हमें, वहाँ की ठंडक अलग है। लाहौल देखने में अच्छा है बट गर्मी ज़्यादा रहती है मनाली से, और मनाली की ग्रीनरी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। और अभी देख सकते हैं जब आप सिसु से अटल टनल की तरफ जाते हैं तो लाहौल वैली बहुत सुंदर लगती है, ये चंद्रा नदी साइड में बहती हुई। और ये आगे भी भेड़ों ने रास्ता कुछ देर के लिए रोक लिया है, धीरे धीरे से निकालनी पड़ेगी, ऐसा ना हो एक भेड़ आगे आए और फिर भेड़ चाल में सारी की सारी आगे आ जाए इसके। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ से चलते हैं हम लोग, और व्यू बहुत प्यारे हैं आजकल के अभी यहाँ पे। तो अभी हम अटल टनल के पास पहुंच गए हैं, और अटल टनल के दोनों साइड, सिसु की साइड भी, कोक्सर की साइड भी, ये स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा टैक्स लिया जाता है। तो ये देके आप आगे जा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी हिमाचल से बाहर कहीं भी किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है। और ये अटल टनल लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। अभी हम लाहौल वैली के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, और जैसे ही अटल टनल क्रॉस करते हैं तो फिर कुल्लू वैली की तरफ हम चले जाते हैं। जो ये मनाली का जितना भी पार्ट है ये कुल्लू वैली के अंदर आता है, जो कि सबसे पीसफुल वैली मानी गई है। और दोनों का क्लाइमेट बिल्कुल अलग होता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे गर्मी है तो उधर भी गर्मी हो, या यहाँ पे बारिश है तो वहाँ पे भी बारिश हो, तो दोनों डिफरेंट क्लाइमेट है,
तो अटल टनल क्रॉस करके चलते हैं और दिखाएंगे मनाली की साइड का कैसा क्लाइमेट है अभी। और अभी आपने देखा था सिसु की साइड का मौसम, और अभी देखिए जैसे ही कुल्लू वैली के अंदर एंट्री होती है, हाय हाय क्या नजारे, बहुत अच्छा जो है फोग यहाँ पे है, बहुत सुंदर सुंदर बादलों के व्यू। और ये देखिए अटल टनल हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और उसके बाद जो है बड़ी सुंदर सी लोकेशन यहाँ पे ढूंढते हैं कोई। तो अभी 4:10 हुए और हम अटल टनल क्रॉस कर चुके हैं, तो आसपास के नज़ारे तो देख ही सकते हैं। तो मनाली से अटल टनल आप क्रॉस करते हैं, लेफ्ट में सिसु आता है, राइट में कोक्सर होता है। तो आपको अगर स्पीति जाना है तो आप राइट साइड में कोक्सर क्रॉस करके ग्राम्फू से स्पीति की टर्न ले सकते हैं, और आपको अगर लेह लद्दाख जाना है तो आप सिसु क्रॉस करके तांदी जिस्पा के लोंग होते हुए दारचा बैरियर तक जाते, फिर दारचा बैरियर से बारलाचा पास लेह लद्दाख के रास्ते अलग हो जाते हैं, और वहाँ से शिनकुला जंस्कार वैली अलग हो जाती। और अभी देख सकते बहुत सुंदर यहाँ का व्यू है, बहुत ही प्यारा। और जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे फोटो के लिए ज़रूर रुकते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं कोई अच्छी सी आगे लोकेशन जहाँ पे हम रुकेंगे खाने वगैरह के लिए। और मनाली की साइड आते ही तो मज़ा आ जाता है, ये देखिए यहाँ से सोलंग वैली केवल 10 किलोमीटर दूर रह गया है, और काफ़ी अच्छा मौसम है अभी यहाँ का। सिसु की साइड तो गर्मी में ऐसे बुरा हाल हो गया था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। और यहाँ पे तो धुंधी ब्रिज के आसपास तो ये धुंध हमेशा ही होती है, बहुत सुंदर यहाँ के नज़ारे, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो अभी ढूंढते हैं हम कोई अच्छी सी लोकेशन। तो वहाँ पे दया भाई लगे हैं विनु के साथ टेंट लगाने में, और ये लोकेशन फाइनली हमें समझ आई है। ये देखिए यहाँ से बहुत अच्छा व्यू, साथ में से यहाँ पे नदी बहती है, और यहाँ पे कुकिंग का जिम्मा लिया है मैंने क्योंकि लंच हमारा लेट हो गया। तो अभी सबसे पहले मैगी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, वेज मैगी, और उसके बाद देखते हैं फिर, काफ़ी कुछ पकने वाला है। और यहाँ से ये देखिए ये नदी बहती, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, तो बहुत अमेजिंग लोकेशन है ये। तो बनाते फटाफट मैगी। तो अभी हमने वेज मैगी के लिए यहाँ पे अभी इसके अंदर वेजीज डाल दी है, कुछ प्याज पीस और जितना भी यहाँ पे ये छिलके वगैरह सारे हम एक साथ ही इकट्ठे कर रहे हैं, ताकि जो है यहाँ पे कुछ गंदगी ना फैले। और कुछ लोग यहाँ पे आते, ये देखो भाई कहीं पे बोतलें फेंक रखी है, कहीं पे जो है लेज के पैकेट है, और यहाँ पे दैया भाई ने अभी जो है टेंट लगा दिया है, ये देखिए टेंट लगा दिया है। तो अभी बढ़िया मस्त मौसम हो गया है, और मस्सी इस मौसम के बीच में मस्त मस्त मैगी हम बनाते हैं। तो अभी हमारी वेज मैगी बनके तैयार हो गई है, और साथ में यहाँ पे बारबेक्यू की तैयारी हो चुकी है, इसको सुलगाने के लिए रख दिया है। अभी दैया साहब पता नहीं ये क्या लेके आए हैं, तो इसका नाम ले रहे थे ये चापा, सोया चाप होती है वैसे, ये बड़े वाला साइज लेके आए, हाइब्रिड किस्म। और चेहरे की मुस्कान देखिए, ये क्या बात है। तो विनू कितनी देर में पक जाएगी है? ये तो भाई को तो मेरे ख्याल से कम लगना चाहिए 3-4 दिन तो पकने के। तो ये दया भाई की खास पसंद थी, कहते बड़े वाली चाप खाएंगे आज, हाइब्रिड किस्म। सोया चाप हमारी बॉयल हो चुकी है, और यहाँ पे दया साहब ने मसाला तैयार कर दिया चापे लगाने के लिए, और अभी आगे की पार्टी ये बनाएंगे, तभी इनको चार्ज करने के लिए थोड़ी सी चाय हम लोग बना देते हैं, जब तक ये चाप को मैरिनेट करेंगे हम लोग बनाते हैं चाय। तो मिल बांट के काम करते हैं तो अच्छा रहता है। और विनू भाई को दिया सबसे जरूरी काम, अभी ये हुक्का तैयार करेंगे। और इनका लास्ट वीडियो में हमने चैनल आपको नहीं बताया था, अभी ये चैनल शुरू करे, चैनल का नेम क्या है? चैनल का नेम है ट्रैवल विद दाढ़ी वाला, ट्रैवल विद दाढ़ी वाला या दाढ़ी वाला बाबा, ऐसा करके कुछ चैनल आएगा, एक दो दिन में फाइनल कर लेंगे ये। और यहाँ पे अभी आग भी तैयार होगी है ऑलमोस्ट, थोड़ी देर में और हो जाएगी जब तक ये मैरिनेट होता है प्रॉपर। तो हमारी चाय का ऑलमोस्ट जो है मावा अभी निकल चुका है, बहुत अच्छी चाय की खुशबू आ रही, इलायची हमने इसके अंदर डाली है। और इस बीच दया भाई ने यहाँ पे ये चाप जो है को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, बट इस बार चाप का साइज बहुत बड़ा आया है, तो पक्का कंफर्म कुछ कह नहीं सकते अच्छे से पकेगी कि नहीं। और विनू अभी तैयारियों में लग गया है इसको यहाँ पे टांगने के लिए, और इस बीच हमारी आग भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो अभी हम देखते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग जो है इसको जो है तैयार करते हैं, ताकि टाइम से हम लोग अंधेरा होने से पहले इस चाप को जो है तैयार कर सके।
बहुत ही जबरदस्त चाय बनाई है मुकेश जी ने, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल रबड़ी होती है ना, उस वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल वही टेस्ट है। लेकिन वो ठंडी है होती है, ये थोड़ा गर्म है, लेकिन बिल्कुल इलायची का टेस्ट, दूध, बिल्कुल वो हाँ भैया साहब बताएंगे और आपको भाई कैसी वही होता है लगी। एक्चुअल में। क्या होता है ज्यादा, क्या हाँ होता है बेसिकली कि भाई दूध को बहुत ज्यादा उबाला जाता है रबड़ी बनाने के लिए, ठीक है, उसी में इलायची भी होती है, सब कुछ होता है। बस इसमें ये है कि ये गर्म है वो ठंडी होती है, प्रोसीजर तो सेम ही है, पर इससे पहले का प्रोसीजर तो सेम। तो भाई मजेदार बनी हुई, अच्छी बनी बस हुई चाय, लाजवाब चाय है ना, मजा आ अच्छी गया। इसके बाद भाई हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो गया, और वो देखो अब लगाएंगे इसके ऊपर चाप को, फिर देखते हैं चाप कैसे बनती है, इतनी मोटी मोटी चाप, चाप नहीं चापा। दैया साहब का फेवरेट चापा बन रहा है आज। लास्ट में वो बोल रहा है कि वो नहीं पता, तो मैं ये सब बोलने के लिए अभी 100-100 रुपए दिए थे। तो अभी चाप जो है सिंक में टकने के लिए तैयार है, और दाढ़ी वाले बाबा लगे हैं अभी चाप के तैयारियों में। और यहाँ पे पहले वाला हिस्सा तो जा चुका ऑलरेडी, तो शिमला मिर्च हमें बाद में याद आई है, अभी शिमला मिर्च। और अभी दैया साहब प्याज भी बोल रहे हैं। दैया साहब प्याज क्यों, इनको आज मजा नहीं आ रहा, कारण क्या है? जब से चाप लिया है चाप का साइज देख के डरे हुए हैं। तो ये देखो अभी प्रोसेस चल रहा है, और ये जो है जितनी भी चाप थी उसको बारी बारी से जो है इन सिंकों के अंदर जो है टांग के जो है रखा जा रहा है बारबेक्यू के ऊपर। और आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैनेज कर ही लेंगे हम इसको, जैसे तैसे भी करके जो है पका लेंगे। कोयले वगैरह बड़े अच्छे से रेडी है, और ये देखिए दैया साहब अभी प्याज काटने में लग गए हैं। तो पहले हमने जो है स्टार्टिंग में अकेली चाप, और उसके बाद ये देखो अभी साथ में प्याज गिरा दिया, तो आज गिराने का वो चला हुआ है कंपटीशन। और यहाँ पे देख सकते भाई अत्याचार होते हुए, ये सारी की सारी जो है सोया चाप मैं पका रहा था, और अभी ये देखो वीडियो बनाने के लिए दया साहब खुद लग गए हैं यहाँ पे, और हंसी भी रोक रहे ताकि पता ना चले। हाँ भाई एक पकाई है, तूने देख कैसी पकाई है, हमारा देख परफेक्ट कलर नहीं आ रहा, हाँ अगर देख था भाई इसने एक पकाई थी भाई मैं भी बना दूंगा, और ये देखो अभी सफाइयाँ कैसे दे रहे हैं। एक तो ये दोनों केवल वीडियो के लिए जो है ऐसे क्रेडिट लेते हैं, तो जब भी आप अपना ट्रैवल पार्टनर चूज करें तो पहले अच्छे से जो है चेक कर ले वो काम करेंगे कि नहीं, ऐसा ना हो आपको ही काम पे लगा के रखे। और चेहरा तो इतना मासूम बना के रखते, ये देखिए, ओ हो, इससे मासूम तो है ही नहीं जैसे कोई, है ना। और एक का तो चेहरा ही नहीं दिखाई देता, दाढ़ी में छुप जाता आधे से ज्यादा चेहरा, एक्सप्रेशन सारे के सारे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं चाप हमारी जो है ऑलमोस्ट रेडी है, और ये तो सेकंड राउंड वाली है, फर्स्ट राउंड वाली पे तो हमारे जो है खिलाड़ी लग चुके हैं। ये देखिए इतनी टेस्टी बनी है कि इनसे रुका ही नहीं जा रहा, प्लेट वगैरह में भी डाल रहे, जो मेन बर्तन था उसी के अंदर जुटे पड़े हैं। तो कैसा लग रहा है भाई? भाई एक नंबर, बढ़िया बनी हुई है, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल बिल्कुल हम सब की मेहनत रंग लाई भाई, मजाक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मजा आ गया। तो ये देखो इन दोनों भाइयों की मेहनत थी, है ना, हम वैसे ही पागल हो रहे थे, इतनी देर से हवा करे जा रहे थे, कोयले सेट करे जा रहे थे। और ये देखिए क्या व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू। लड़ती फौज है नाम अधिकारी का क्या बात है। तो अभी हमारी रिटर्न की यहाँ से तैयारी हो गई है, शाम होने को आई है। ये देखिए नदी बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे जो हमने कुकिंग करी थी तो सारा सामान हमने समेट दिया है, कुछ ब्रेड हमारे रह गए थे तो वो डाल दिए यहाँ पे, कोई पक्षी वगैरह खा लेंगे। उसके अलावा सारा सामान हमारा पैक हो चुका है, केवल ये बारबेक्यू रखा है ठंडा होने के लिए, बाकी सब सामान समेट के, और जितना कूड़ा था ये पॉलिथीन जो रखा है इसके अंदर हमने डाल दिया। और यहाँ पे ये देखिए पूरी जगह क्लीन है, तो जब भी आप ऐसी जगह पे आते हैं तो जो है सफाई का ध्यान रखें अच्छे से, ताकि जो है बाकी कोई और आपके बाद आए तो उसको भी ये जगह उतनी ही सुंदर लगे जितनी सुंदर जगह देख के आप लोगों का मन हुआ था यहाँ पे रुकने को। और आसमान के कलर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। और अभी यहाँ से जाएंगे हम मनाली के लिए, और अभी धुंधी ब्रिज से थोड़ा सा आगे हम लोग चले हैं सोलांग वैली की ओर, और यहाँ पे इस बेहतरीन नज़ारे ने हमें रोक लिया है।
ये देखिए नदी के ऊपर कितने खूबसूरत यहाँ पे बादल बन रहे हैं, आसमान के अंदर कलर भी बहुत ही अलग है, तो बहुत बेहतरीन नज़ारा है। तो अभी देखते हैं यहाँ से हम सोलांग वैली की तरफ और मनाली की तरफ जाएंगे, और हमारे दोनों साथी भी लगे इस नज़ारे को निहारने। तो कैसा लग रहा है दैया भाई? तो दैया भाई तो मस्त हो गए इस नज़ारे को देख के, तो बहुत प्यारा नज़ारा है। और आप ना चाहते हुए भी यहाँ पे रुकेंगे, ऐसा जादू होता है इस नेचर के बीच में, इस खूबसूरत व्यू में। 7 बज के हुए अभी 25 मिनट और सोलांग वैली के अंदर चला है 2 सांडों का युद्ध आपस में। तो इस टाइम पे टूरिस्ट तो कोई नहीं है, तो अभी एक्टिविटी ग्राउंड में यही एक्टिविटी आप देख सकते हैं, 5-6 गाय और सांड है वहाँ पे जो आपस में मस्ती करने में, खेलने में, लड़ने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे अभी टूरिस्ट कोई नहीं है, मौसम ठंडा होना शुरू हो गया अभी 2-4 दिन से, थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी, बट दिन के अंदर तो दिन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और ये देखिए बहुत अच्छा मौसम, अभी बहुत ही सुंदर बादल। और अभी यहाँ से जाते हम मनाली की ओर। तो ये अभी हम लोग मॉल रोड पहुँच गए हैं, और मॉल रोड पे नज़ारे आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर वेदर है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे टूरिस्ट अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा मौसम है मनाली का। तो अभी 8 बज के हुए हैं 15 मिनट और हम आ गए हैं मॉल रोड पे। तो मॉल रोड का नज़ारा आप देख सकते हैं, कोई बारिश नहीं है, बल्कि गर्मी कहूँगा मैं मनाली के हिसाब से अभी का जो क्लाइमेट है, बड़े आराम से लोग जो है टी शर्टों में भी घूम रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो अभी मनाली से आप रोहतांग पास जाइए, स्पीति जाइए, लेह लद्दाख जाइए, सिसु अटल टनल, सारे के सारे रोड ओपन है। मनाली से आप कसोल मणिकर्ण भी जा सकते हैं, और सारी की सारी ओलोवा बसेस भी मनाली की चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ जा रही है, रास्ते में मंडी के आसपास भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने आज कैंपिंग का भी आपको दिखा, तो कैंपिंग का भी आप एक्सपीरियंस करना चाहे तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, बहुत अच्छा पैकेज हम ऐसा बना के देंगे जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो आप लोग कॉल कीजिए हमें कैंपिंग के लिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेके आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, खूब सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, हम लोग जल्द मिलते किसी नई वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ।